अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरी बेटी ने मेरा लाइव चलाया है ना फातिमा, आ जाओ आप इस दुआ सलाम करो। सलाम करो, सलाम टू गुरु, बोलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, जैसे मेरी बेटी कहती है ना फातिमा। फातिमा आप कैसे बोलती हो। आ गया जी मौसम स्कार्फ वाला, स्कार्फ में चलो फेस थोड़ा अच्छा लगता है, यूं मेरी डबल चिन रही रहती है। अच्छा इधर देखो, ये देखो, ओए ओ देखो फातिमा, उधर उधर कौन नजर आ रहा है, कोई नजर आ रहा है आपको, आपको उधर देखो कोई नजर आ रहा है, कोई नजर आ रहा है, कोई भी नहीं नजर आ रहा हूँ। आप ऊपर होकर देखोगे ना, सही सी बैठे जैसे मैं बैठू ना, ऐसे देखोगे ना फिर आपको कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा बताओ, अब बताओ क्या नजर आया। माशाल्लाह बोलो, देखने वालों मुझे माशाल्लाह बोल दो, देखने वालों बोल दो, बोलो माशाल्लाह बोलो, उधर देखो मैं आपको ओपन करके देती, बोलो माशाल्लाह बोल दे, माशाल्लाह बोल दे, ये मार्शमेलो है लेकिन आप माशाल्लाह बोल दे। चलो आप यहाँ से जाओ, मैं आपको मार्शमेलो ओपन करके देती हूँ, मैं थोड़ी सी गपशप कर लूं, क्योंकि बड़े मुझे गिले आ रहे हैं कि आप गायब हो गई हैं। आई मस्जिद के माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लो चलो भैया, ये मिरर नहीं है, आप यहाँ पे ड्रामे शुरू कर दिए आपने। चलो ओ मुझे बात कर लेना थोड़ी, चलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी से लाइव को ज्वाइन करें, जल्दी से लाइव को ज्वाइन करें, थोड़ी सी गपशप करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है कि कहाँ हो कहाँ हो कहाँ, मैसेंजर सॉरी मैसेंजर भरा हुआ है कि कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, तो मैं यहाँ हूँ। कोई कमेंट शमेंट करें, ज्वाइनिंग तो हो गई है, कोई कमेंट वगैरह भी करें। बस थोड़ी देर के लिए लाइव आई हूँ, ज्यादा लाइव नहीं करूंगी, क्योंकि फिर मैंने मार्केट जाना है, कुछ काम है। स्लो कनेक्शन क्यों आ रहा है। कोई कमेंट शमेंट करें, देखो जैसे नजर लगना चाह रहा हूं, कोई कमेंट शमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ूं और आपको रिप्लाई करूं। सलाम फातिमा हुसैन कह रही है, सलाम वाह माशाल्लाह, पहला पहला नाम इतना प्यारा, फातिमा और हुसैन। वालेकुम अस्सलाम फातिमा हुसैन, कैसी हैं आप। फातिमा क्या हाल है आपका, फातिमा हुसैन पूछ रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फातिमा हुसैन, आप कैसी हैं। मेरी गोद में तो ये मेरी फातिमा जहरा है, ज्योतिषी मेरी बिल्ली है, ड्रामो है पूरी, ड्रामो 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 है ना फातिमा। फातिमा आप क्या हो। फातिमा हुसैन कह रही मैं ठीक हूँ, चले जी अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ठीक रहें। क्या कर रही थी फातिमा, आज मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ लाइव, हमेशा रात को आती हूँ मैं, अभी थोड़े सा ऐसे मुझे टाइम मिला था तो मैंने कहा मैं लाइव अभी आ जाऊं। फातिमा हुसैन कह रही है आपकी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, थैंक यू फातिमा हुसैन। मैं प्यारी नहीं हूँ फातिमा, आपको कह रहे हैं आप प्यारी हूँ, मैं बोलो मेरी मम्मी प्यारी नहीं है, बोलो मम्मी प्यारी नहीं है, मम्मी प्यारी है फातिमा। मैं आपको प्यारी नहीं लगती, मैं आपको प्यारी नहीं लगती। जुनैरा माजिद कह रही है हेलो महनूर डार्लिंग, हेलो टू जुनैरा माजिद डार्लिंग, कैसी हैं आप, ठीक हैं। फातिमा हुसैन कह रही आप भी बहुत प्यारी हैं, थैंक यू फातिमा हुसैन, मैं मजाक कर रही थी, मुझे उम्मीद है आप अपने नाम की तरह भी बहुत प्यारी होंगी फातिमा हुसैन। जुनैरा माजिद आप कैसी हैं। देखिए मैं आप लोगों से गपशप करने आ गई हूँ, मेरा मैसेंजर आप लोगों ने भरा हुआ है कि मैं कहाँ गायब हूँ, मेरे साथ कुछ हो तो नहीं है। फातिमा हुसैन कह रही है आप जैसी है, आप जैसी ही है आपकी बेटी फातिमा हुसैन। नहीं मुझे तो लगता है अपने बाबा जैसी है, क्योंकि मैं खुद को हसीन नहीं मानती, मैं अपने शोहर को हसीन मानती हूँ खुद से ज्यादा, तो फिर मैं चाहती थी जैसे मेरे शोहर हसीन है मेरा बच्चा भी वैसा ही हो, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला शक्ल अपने बाबा जैसी हो लेकिन अकल मेरे जैसी हो। क्योंकि आप मेरे बहुत भोले भाले हैं, हूं तो मैं भी भोली भाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझदार हूं अपने हस्बैंड से। फातिमा मेरे इतना प्यारा जी क्या हुआ। फातिमा उधर देखो शब आपको देख रही पता। अच्छा और अल्लाह ताला ने फिर मेरी दुआ कबूल की, ये देखें ये शक्ल अपने बाबा जैसी,
और अभी अकल का भी नहीं पता, बड़ी होगी तो पता चलेगा, अभी तो बस तंग करना आता है इसे। अच्छा जी, जुनैरा माजिद कह रही हैं आप अब बहुत कम नजर आती हैं। जी जुनैरा माजिद, थोड़ी सी मसरूफियत बढ़ गई है और इंशाल्लाह आपको मैं रेगुलर व्लॉग लगाया करूंगी, आप लोग देखा कीजिएगा। अच्छा, और फातिमा हुसैन कह रही हैं आप मुल्तान में रहती हैं। जी फातिमा हुसैन, मैं मुल्तान में रहती हूँ। और फातिमा पाओ आगे नहीं करना मेरी शहजादी। अच्छा, हुनैना मुकीत है, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुनैना मुकीत, आप कैसी हैं? बड़े दिनों बाद आज आप आई हैं हुनैना मुकीत, कैसी हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, और जुनैरा माजिद कह रही हैं मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह। जी जुनैरा माजिद, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ठीक रखे, सबको ठीक रखे, खुश रखे। और जुनैरा माजिद कह रही है शगुफ्ता आपा की सुनाओ। क्या सुनाओ? ठीक है, वो घर में है। फातिमा, फातिमा से पूछते हैं। फातिमा इधर देखो, वो ना पूछ रहे हैं शुका आंटी कैसी है, बताओ शुका आंटी के बारे में बताओ कैसी है, बड़ी मम्मा के बारे में बताओ, पूछ रहे हैं। बड़ी मम्मा कहाँ है? है? कोई भी नहीं है यहाँ। ए क्यों झूठ बोल रही है, बताओ सही से बताओ। बाबा मम्मी बिट्टो नहीं है। अच्छा, बाबा मम्मी बिट्टो की स्टोरी में आपसे नहीं पूछती, ये बताओ बड़ी मम्मा कहाँ है? बड़ी मम्मा कहाँ है जल्दी बताओ, जाओ देख क्या थी बड़ी मम्मा कहाँ है, क्या कर रही है, जाओ जाओ देख क्या, फिर इनको बताएंगे बड़ी मम्मा क्या कर रही है। जाओ 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 देख क्या, जाओ जाओ मेरी शहजादी, फिर मैं ना आपको चीज दूंगी, बाहर भी लेके जाऊंगी, जाओ देख क्या बड़ी मम्मा क्या कर रही है। अच्छा जी, हुनैना मुकीत कह रही आज इस टाइम लाइव। जी हुनैना, टाइम नहीं मिलता, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लूं। और जुनैरा माजिद कह रही है मैं बहुत शौक से आपका व्लॉग देखती हूँ। जुनैरा माजिद, मैंने भी बड़े शौक से व्लॉग बनाए थे, लेकिन वो बस उस कुछ और उसमें मसाइल थे, वो नहीं चले, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह फिर मैं थोड़ी मसरूफ भी होगी और साइड पर, मतलब मैं ज्यादातर फ्रीलांसिंग की तरफ चली गई, क्योंकि मैंने जाहिर है व्लॉग इसलिए बनाए थे कि कोई अर्निंग हो सके और मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो इनकम थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, तो फिर मैंने वो व्लॉग वगैरह बनाया। जाहिर है आपको पता है अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने किया, ये डिसीजन भी मैंने ले लिया, मैंने कहा चले कोई नहीं, आपको उठा लिया, चले कुछ नहीं, कोई हेल्प वगैरह हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी, लेकिन व्लॉगिंग उस तरह से चली नहीं जिस तरह से मैं चलाना चाह रही थी, तो फिर मेरा जरा इधर से थोड़ी देर के लिए मैंने इधर से तवज्जो हटा ली है, मैं फ्रीलांसिंग की तरफ चली गई हूँ। उसके लिए बस जो मेरा नसीब है मुझे मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, तो इस वजह से फिर मैं व्लॉग्स की तरफ जरा कम हो गई हूँ, अब दोबारा इंशाल्लाह व्लॉग्स की तरफ भी तवज्जो करूंगी। अच्छा जी, ब्राइडल क्लोजअप कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम ब्राइडल क्लोजअप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और ब्राइडल क्लोजअप कह रही है माशाल्लाह मेरी फातिमा ज़ारा है, मेरी फातिमा ज़ारा है ये। जी जी, आप सबकी भी फातिमा ज़ारा है, आप सबकी है ना फातिमा? नहीं, मम्मी नहीं। आप, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ? मुझे बड़ा ब्लैकमेल करती, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ, नहीं मुझे कहती आप मेरी मम्मी नहीं हूँ, फिर कहती है मैं आपकी बिट्टो नहीं हूँ, और बाबा को भी कहती है कि आप मेरे बाबा नहीं है, वो फिर पूछते कौन है बाबा, कहती इतने सारे बाबा। मैंने कहा मेरी बेटी मुझे भी बता दे कौन से इतने सारे बाबा है तेरे, ड्रामी ड्रामी ऐसे, पता नहीं कौन से सीखती है ये बातें, मेरी तो समझ से बाहर है, ये लड़की इतनी सी बच्ची है। अच्छा, हुनैना मुकीत कह रही है बस मैं भी एक्टिव नहीं थी काफी टाइम से, इत्तफाक से आप भी कम आती है नजर। हाँ जी, बस देख लें क्या इत्तफाक है कि आप भी एक्टिव नहीं है और मैं भी, बाकी मैंने बता दी मैं क्यों कम नजर आ रही हूँ आजकल। अच्छा जी, फातिमा हुसैन कह रही है शगुफ्ता और आप साथ नजर नहीं आती अब। मैं क्या काम करो, जाओ देखो बड़ी मम्मा क्या कर रही है, जाओ देखो। हाँ जी बिल्कुल, बस नहीं नजर आते, दुआ करें, दुआ करें हमारे लिए। अच्छा जी, जुनैरा माजिद कह रही है कभी आप दोनों लाइव आओ, आप और शगुफ्ता आओ। जुनैरा माजिद आई विल ट्राई। अच्छा जी, नालैन जहरा नालैन, ओहो इतना प्यारा नाम, कह रही है फ्रीलांसिंग में क्या करती हैं, हमें भी डिटेल्स दें, हम भी अर्निंग करना चाहते हैं। नालैन जहरा, एक तो मैं करती हूँ फेसबुक एड पोस्टिंग, ठीक है, दूसरा मैं करती हूँ वीडियो का सबटाइटल मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, रशियन,
फ्रेंच, इटालियन, इस तरह की लैंग्वेज, मतलब जो भी जिस कंट्री का क्लाइंट होता है वो उसके हिसाब से वो वेबसाइट्स के थ्रू हो जाती है, हमें तो नहीं आती, वहाँ कहते हैं ऑटो हो जाती है आई के थ्रू। और एक फोटो रिस्टोरिंग था वो भी मैं करती थी, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया, उसका आप इतना स्कोप नहीं। तो मेरे जो मेन इस टाइम है वो है फेसबुक एड पोस्टिंग, वो जरा अच्छी जा रही है, उसकी अगर एक कॉल लग जाए तो माशाल्लाह उसके $25 मिलते हैं, और अगर महीने की, हफ्ते की 2 से 3 कॉल्स लग जाए तो महीने में ये कोई 10-12 कॉल्स बनती है, जिससे अच्छा गुजारा हो जाता है, थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाती है मेरे हस्बैंड की। अच्छा जी, और मैं टिकटॉक पर लाइव भी करती हूँ, को होस्टिंग वो रात को होती है, जाहिर है जितने भी जिनके साथ मैं को होस्टिंग करती हूँ इस कंट्री में नहीं, पाकिस्तान में नहीं तो और कंट्री में होते हैं इसलिए। अच्छा जी, ब्राइडल क्लोजअप कह रही है फातिमा जहरा दिखाएं, फातिमा जहरा दिखाएं, मैंने फातिमा जहरा दिखाई तो फिर आप मुझे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो फिर स्क्रीन पर कब्जा कर लेती है। बोल के फातिमा जहरा का ना, हालांकि काफी अरसा हो गया व्लॉग बनाए हुए जो फातिमा के साथ में मिलकर बनाती थी, जिसमें फातिमा बोलती थी परसों इसके कोई टॉयज मिले बेड के नीचे, मैंने सफाई की ना अपने रूम की, तो बेड के नीचे इसके कोई टॉयज पड़े हुए थे, वो मैं वॉश कर रही थी, बेसन पे खड़ी थी, ये मेरे साथ खड़ी थी, तो खुद ऐसे ना अपने हाथ को, कैमरा नहीं था इसके पास, हाथ को ऐसे करके कहती है गाइज ये देखो मेरी मम्मी मेरे टॉयज वॉश कर रही। मैं इतना हंसी, आमिर भी घर खड़े हुए थे, हम इतना हंसे, मैंने कहा देखे मेरी बेटी पैदाइशी व्लॉगर है, मैंने कहा मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी लेकिन मेरी बेटी व्लॉगिंग कर रही है। अच्छा, असद चांद कह रहे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ब्राइडल क्लोजअप में दोबारा फातिमा को बुलाती हूँ, उधर चली गई है। फातिमा हुसैन कह रही फ्रीलांसिंग से कितना कमा लेती हैं? हाँ फातिमा हुसैन, मेरे ख्याल में ये आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ लें, ये कुछ ज्यादा थोड़ा सा पर्सनल है, वैसे इतना ज्यादा भी नहीं कमा रही, बस इतना है कि आप लोगों को शायद पता है, पता नहीं, नहीं पता, आमिर ने अपनी जो शॉप थी वो छोड़ दी है, उस पर 2 साल काम किया है, लेकिन उसका रेंट, उसके अखराजात इतने ज्यादा थे और उसकी इनकम इतनी नहीं थी कि हमेशा से, या तो हमेशा हमने उसका रेंट अपनी जेब से भरा है, तो और दूसरी वजह यह थी कि वो शॉप कभी भर ही नहीं सकी सामान से, शॉप चलती थी, ये बात नहीं कि नहीं चलती थी, आमिर भी ड्यूटी देते थे 16-16 घंटे, आप लोग मेरे व्लॉग्स में देख सकते हैं, रात को 3:30-4 बजे घर आते थे, सुबह 11 बजे जाते थे, बीच में एक दफा घर आते थे थोड़ी देर के ब्रेक के लिए, लेकिन मसला यह था कि वो शॉप कभी भर ही नहीं सकी, जैसे उसका हक था उसे हम भर देते 2-4 लाख डाल के ना, तो फिर अच्छी चलनी थी, तो वो हम कभी भर ही नहीं सके उसको, इस वजह से बस वो जैसे टुक 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 करके चलती रही है, और अब आकर हमें लगा कि भाई ये तो एक कुआं है, कुएं में पैसे डालते रहो तो थोड़ी सी चल पड़ती है, धक्का स्टार्ट बनी हुई थी, फिर इतना लंबी ड्यूटी भी आमिर दे रहे थे, तो मैंने कहा छोड़े इसको, कोई और काम करते हैं, और मैंने नहीं कहा छोड़े, बस उसके हालात ही ऐसे हो गए थे कि वो छोड़ने वाली हो गई थी, अब उसके अलावा भी 1-2 और प्रोजेक्ट है, उस पर भी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, जुनैरा माजिद कह रही हैं अल्लाह आपको ढेरों खुशियां दे, आपको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन, सेम टू यू, और अल्लाह ताला सबको, मेरे दुश्मनों के अलावा अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियां दे और कामयाबियां दे, आमीन सुम आमीन। फातिमा हुसैन कह रही हैं ये कैसे करते हैं? फातिमा हुसैन, मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती है, वहां पर जाकर हम अपने हिसाब से वेबसाइट के ऊपर ये काम करते हैं, मतलब जो क्लाइंट हमें वीडियो भेजते हैं उसके ऊपर अगर सबटाइटल लगाना है, रशियन लैंग्वेज में लगाना है, तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती है, वहां पर जाकर वो वीडियो अपलोड करते हैं हम, वो 1 से 2 मिनट में, AI वेबसाइट अब तो बहुत ज्यादा आ गई है, वो 1 से 2 मिनट में उसमें जो भी हम लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं वो उसको सेट करके दे देते हैं, फिर उसको ChatGPT से मजीद मैं चेक कर लेती हूँ कि मुझे रशियन आती तो नहीं है ना, लेकिन मैं उसको ChatGPT से फिर मजीद चेक कर लेती हूँ कि ChatGPT बताओ ये रशियन सही लिखी हुई, इसका सही वो हुआ है सबटाइटल, तो वो इस तरह उसको थोड़ा सा सही वाला बना के ना फिर क्लाइंट को दे देते, फिर क्लाइंट भी चेक करता है, वो कहता है ओके है, उसके बाद फिर वो हमें उसकी जो भी क्या कह सकते हैं उसको मजदूरी होती है वो देते हैं। अच्छा जी, बस ये माइंड की गेम होती है, मेहनत वाला काम नहीं, बस माइंड है एक, आपको पता होना चाहिए हाँ जी यहां से ये इस वेबसाइट से ये काम होते हैं, ये होता है। अच्छा जी, असद चांद कह रहे हैं आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, माशाल्लाह, थैंक यू जी असद चांद, और अल्लाह ताला नसीब प्यारे करे सब बच्चे बच्चियों के, आमीन सुम आमीन।
हुनैना मुकीत कह रही है हम लोग टिकटॉक लाइव कैसे देख सकते हैं। हुनैना मुकीत, उसके लिए यूके की आईडी होनी चाहिए या पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री की आईडी होनी चाहिए जहां पर टिकटॉक ने अपना लाइव का ऑप्शन दिया हुआ है। पाकिस्तान में ये ऑप्शन नहीं है, तो मैंने फिर अपनी एक फ्रेंड थी यूके में सायरा, उससे बनवाई थी ये आईडी। एक तो होती ना वो क्रैक करके टिकटॉक को बना लेते हैं आईडी, वो फिर कुछ अरसे बाद उड़ जाती है, टिकटॉक को पता चल जाता है कि इन्होंने हमारी ऐप को क्रैक करके ये बनाई है। वो तो हो जाती है एपीके मोड में डाउनलोड हो जाती है क्रोम से, उसका कोई फायदा नहीं है। वो आपकी जितनी भी मेहनत होती है ना फिर सारी उड़ जाती है। जिस दिन टिकटॉक को पता चल जाता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है, वो उड़ा देता है आपका आईडी को। मैंने अपनी फ्रेंड से बकायदा यूके से बनवाई थी मेरी वही पुरानी आईडी, मैंने वहां उसने लॉग इन करके उसको अपने नंबर में वेरीफाई कर लिया था, तो वो टिकटॉक को लगा कि ये यूके की है, तो वो फिर मेरे पास है मेरी आईडी, उसके ऊपर फिर मेरे साथ सारे ऑप्शन जो ही वो आईडी बनी ना मेरे पास सारे ऑप्शन आ गए लाइव करने के, गिफ्टिंग के, गिफ्टिंग लेने देने जैसे होता है वो पूरा। तो उसके लिए आपके पास टिकटॉक की पाकिस्तान के अलावा की आईडी होनी चाहिए। हुनैना मुकीत और जुनैरा माजिद कह रही है फातिमा जहरा का भाई कब आएगा। जुनैरा माजिद, फातिमा जहरा जो है ना, मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद, बड़ी दुआओं के बाद अता की है। और मैं दूसरी बात यह कि मेरा जो जहन है ना वो इस तरह का है कि कोई चीज मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे नहीं थे तो भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, अल्लाह ताला ने फातिमा जहरा दे दी है तो मैं और ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ। और अल्लाह ताला मजीद भी कोई बच्चा देंगे तो मैं शुक्र अदा करूंगी, नहीं देंगे तो भी मैं शुक्र अदा करूंगी। तो वो ये काम अल्लाह के हैं, मेरे नहीं है। मेरे होते तो मैं पहले साल ही बच्चा मतलब हो जाता, अल्लाह ताला की मर्जी थी, अल्लाह ताला ने 8 साल बाद दी। अच्छा जी, आप दुआ करें जुनैरा माजिद। वैसे फिलहाल तो मैं फ्री नहीं हूँ, मैंने बड़े काम मैंने पकड़े हुए बड़ी मसरूफ रहती हूँ। यकीन करें आजकल तो घर वाले जो है ना वो भी मतलब मुझे दे, दूसरे घर वाले ना जो रहते हैं घर के अंदर, उनसे पूछे कितने दिन हो गए उन्होंने मेरा चेहरा देखा है। और एक तो उनकी और मेरी रूटीन अपोजिट है, वो सोए हुए हैं तो मैं जाग रही हूँ, मैं सो रही हूँ तो वो जाग रहे हैं। वो जब सो, अब वो आजकल जल्दी सोते हैं, ज़ाहिर स्कूल कॉलेजेस जाना होता है उन्होंने, तो शायद मुझे नहीं लगता काफी दिन हो गए, मैंने नहीं बड़ी बेगम की शक्ल देखी, बड़े दिन हो गए। तो ज़ाहिर जब मैंने नहीं देखी तो उसने भी मेरा चेहरा नहीं देखा ना, काफी दिन हो गए। इतनी मसरूफियत है कि मैं अपने रूम से निकल भी नहीं, मतलब सारा दिन सोई रहती हूँ, रात में मेरी अपनी ये टिकटॉक लाइव और मुख्तलिफ काम होते, फ्रीलांसिंग होती है, तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितनी मसरूफ रहती होंगी। और आप कह रही फातिमा जहरा का भाई फिलहाल तो मुश्किल है। अच्छा जी, ब्राइडल क्लोजअप कह रही है हा 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 माशाल्लाह, किस बात पर आप हंसी और किस बात पर आपने माशाल्लाह कहा है ब्राइडल क्लोजअप। स्लीम नियाजी कह रहे हाय, स्लीम नियाजी कह रहे सलाम पप्पा, वालेकुम असलाम भतीजे। स्लीम नियाजी, मैंने आपको पहचान लिया, मियां वाली से है ना। अच्छा, स्लीम नियाजी कह रहे हैं कैसी कैसी हो आप, पहचाना हाय, आप रो क्यों रहे हैं, मैंने आपको पहचान लिया है स्लीम नियाजी। अच्छा, असद चांद कह रहे फातिमा जहरा सो क्यूट, मैं आपके व्लॉग काफी टाइम से देखता हूँ। थैंक यू असद चांद, थैंक यू, और भी देखा करें मजीद। अभी मैंने ताजे ताजे कुछ व्लॉग अपलोड किए हुए हैं टिकटॉक के हिसाब से मैंने बनाए, तो वो भी आप देखें। अच्छा जी, ये तो कमेंट मैंने पढ़ लिया। नालैन जहरा कह रही हैं आपने कहा था आप स्टोरी सुनाएंगी, आपकी शादी कैसे हुई, वेटिंग। फिलहाल वेटिंग में रहे आप नालैन जहरा, सुनाऊंगी इंशाल्लाह। यार मुझे किसी तरह की कोई भी स्टोरी कोई भी नहीं सुनाने देता, मैं क्या करूं, सुनाऊंगी इंशाल्लाह, अभी तो बहुत ही मसरूफ। अच्छा, शाहजेब राजपूत कह रहे हैं हेलो, हेलो टू हो गए शाहजेब राजपूत। स्लीम नियाजी कह रहे हैं आजकल क्या चल रहा है। स्लीम नियाजी, अगर आप मेरा पेज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आजकल न्यू बिजनेस चल रहा है, नूर ऑर्गेनिक इसका मतलब आप नहीं देखते मेरी वीडियो। शाहजेब राजपूत कह रहे हैं आप तो रात को लाइव आती हो। जी शाहजेब राजपूत, आज दिन में आ गई थोड़ी सी फ्री थी, थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा चले मैं अभी लाइव आ जाती हूँ। असद चांद कह रहे हैं अल्लाह फातिमा जहरा के नसीब अच्छे करे, आमीन। थैंक यू असद चांद, थैंक यू, आमीन सुमा आमीन, सब बच्चे बच्चियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। महर अब्दुल गफार कह रहे हैं हाय कैसी हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ महर अब्दुल गफार, आप कैसे हैं। और देखो फातिमा के रोने पिटने के बाद अरे वहां जाकर ऐसी लड़ाइयां करती है उनसे। महर अब्दुल गफार कह रहे हैं इंशाल्लाह एक नहीं चार चार बच्चों को जन्म, क्यों आप ज्योतिषी हैं महर अब्दुल गफार। नालैन जहरा कह रही हैं क्या आपका किचन सेपरेट है, आपने घर का टूर भी दें। घर का टूर
घर का टूर नहीं, किचन मेरा कोई सेपरेट नहीं है, मैं खाना अपना अलग बनाती हूँ, किचन एक ही है, जिस किचन में वो बनाती है उसी किचन में मैं। और बाकी घर का टूर की आप बात करिए, चलें दे देती हूँ किसी दिन घर का टूर भी। और सलीम नियाजी कह रहे जी जी मियाँ वाले से, जी सलीम नियाजी मैंने आपको पहचान लिया था, आजकल हालात खराब है, क्या हुआ सलीम नियाजी आपके हालात क्यों खराब है, क्या हुआ है? मैं शादी करके सऊदी चला गया, तो हालात तो खराब होने ही थे सलीम नियाजी, आपने मुझे शादी पे नहीं बुलाया था, याद है आपने प्रॉमिस किया था पिछले साल कि मैं आपको शादी पे बुलाऊंगा, और अगर शादी पे नहीं बुला सका तो फिर मैं आपको सालन का देगचा भिजवाऊंगा, जो मैंने आपसे कहा था आपने हाईएस्ट पे रखवा देना मियां वाली से मैं मुल्तान में उतार लूंगी, आपने नहीं भेजा तो आपके हालात तो खराब हो। जिसने मानूर को सताया उसने रिक्शा ही चलाया, समझ आई आपको सलीम नियाजी, आपने मुझे सालन नहीं भेजा, अब आप रोओगे। अच्छा यस, ये बताओ मेरी आपकी बेगम कैसी है? मेरी तुमने मुझे फूफा बना दिया, तो वो तो मेरी बहू हुई, मतलब तुम मुझे क्या बना रहे हो, मुझे 5-7 साल ही तुम बड़े हो। अच्छा सलीम नियाजी कह रहे आपको याद है क्या, तो आपको क्या लगता है मैं भूल गई हूँ? मुझसे कोई वादा करे ना वो मैं बहुत अच्छे से याद रखती हूँ, और मैं भी किसी से वादा करूँ ना तो मैं उसे बहुत अच्छे से याद रखती हूँ। आपने वादा किया था आप मुझे सालन भेजेंगे, नहीं भेजा ना, अब रो रहे हो ना, सऊदी चले गए हो ना, पाकिस्तान छूट गया ना, अभी आगे क्यों नहीं भेजा था सालन मुझे? हाँ आपको पता नहीं मैं आपका क्या लगता हूँ, फुप्पो फुप्पो कहते हो तो भतीजे लगे। असद चांद कह रहे फातिमा जहरा की बड़ी मम्मा किधर है? मुझसे ज्यादा तो सारे यहाँ पर बड़ी फातिमा जहरा की बड़ी मम्मा के फैन है, खुद फातिमा जहरा भी बड़ी मम्मा की फैन। आप जवाब भी नहीं देती थी, मैंने कब जवाब नहीं दिया सलीम नियाजी, मैं तो आपकी यहाँ क्लास लगा रही हूँ और आप कह रहे हैं मैं आपको जवाब भी नहीं देती थी। अगर आप मैसेंजर की बात कर रहे हो तो वो मैं मान लेती हूँ, क्योंकि मैसेंजर में इतने मैसेजेस होते हैं, इतने मैसेजेस होते हैं कि उनको देख पाना, पढ़ पाना, फिर उनके रिप्लाई कर पाना इम्पॉसिबल, तो वो आप फिर सही कह रहे होंगे मैंने मैसेंजर मैसेंजर नहीं देखा। और कोई नवा पुराना? दस पुराने जाके मेरे पेज पे देख लो, सब लगे हुए हैं, नवा यही है कि नवा कट्टा मैंने यही खोला हुआ है, मैंने बिजनेस शुरू किया हुआ है। और क्या? अच्छा जी सलीम नियाजी कह रहे शादी वाले दिन मैं मैसेज करता रहा, आज भी देख लो। अच्छा फिर आज जाके मैं आपकी मैसेंजर में ढूंढूंगी सलीम नियाजी, फिर आपकी चैट देखूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं नहीं देख पाती, इतने होते हैं मैसेजेस डेली के, तकरीबन 50-40 न्यू आईडीज से मैसेजेस आते हैं, मुझे बताया मैं देख सकती हूँ, मैं मैसेजेस देखने और फिर उनका रिप्लाई करने बैठ गई ना तो फिर चला ली मैंने अपनी जिंदगी। अच्छा जी असद चांद कह रहे काफी टाइम हो गया उनको देखे हुए, किन को देखे हुए असद चांद? बड़ी मम्मा को, फातिमा जहरा की। तो आप ऐसा करें ना, मेरे पिछले साल के व्लॉग लगे हुए हैं उनमें वो मौजूद है, जाकर दोबारा देख लें। और महर अब्दुल गफार कह रहे हैं अगर आपको प्रॉमिस याद होता है तो आपने मुझे इससे प्रॉमिस किया था मुल्तान का हलवा खिलाऊंगी, याद है? जी महर अब्दुल गफार बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, मैंने आपसे कहा था मैं आपको मुल्तान का सोन हलवा खिलाऊंगी, लेकिन क्या कहा था? सर्दियों में, अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई, मैंने लॉन पहनी हुई, पतले दुपट्टे या देखे लॉन पहनी हुई है, पंखा चल रहा है, तो अभी सर्दियां तो नहीं आई ना, जिस दिन सर्दियां आएंगी आप तब बात कीजिएगा कि मैंने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। सलीम नियाजी कह रहे कौन सा मेको भी 10 मैं भी करा। अच्छा मैं क्या दसा सलीम नियाजी फ्रीराम सिंह के बारे उतने को समझ नहीं आवनी सलीम नियाजी। अच्छा सलीम नियाजी कह रहे हैं मेरा केड़ा कसूर फिर, तो आपको अगर मैं उस पर रिप्लाई नहीं दे रही थी मैसेंजर पर तो आप मेरी किसी वीडियो के नीचे कमेंट भी तो कर सकते थे ना, के मैसेंजर चेक कर लें, या ये बता देते कि मेरी शादी है मैंने आपको सालन भेजना है, तो फिर मैं आपको रिप्लाई जरूर देती। अब इतने भी भोले और मासूम मत बनो कि सिर्फ मैसेंजर में ही रब्ते करते रहे, आप में बहुत तब्दीली आ गई है। सलीम नियाजी कह रहे क्या तब्दीली आई? वही की वही हूं, वही की वही। अच्छा जी असद चांद कह रहे आप
आपकी वो बहुत अच्छी दोस्त है बड़ी मम्मा। असद चांद, मैं हूं थोड़ी सी तन्हाई पसंद खातून, लड़की तो अब खुद को नहीं कहूंगी क्योंकि थोड़ी उम्र बढ़ गई है लड़कियों के हिसाब से। अच्छा, तो मैं हूं बड़ी तन्हाई पसंद, मैं दोस्तियां नहीं करती और मैं दुश्मनियां भी नहीं करती किसी से। दुश्मन मेरे वैसे ही रोज बरोज पता नहीं बढ़ते जा रहे, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। और दोस्त मेरे ख्याल में मेरा अल्लाह की जात के सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरी दोस्ती अल्लाह से है, मेरे सारे ताल्लुक जो है ना वो अल्लाह से हैं, मैं अल्लाह से जुड़ी हुई हूँ। मुझे इंसानों से कभी कोई सिला नहीं मिला, इसलिए मैं इंसानों से दूर भागती हूँ। बाकी आप कह रहे हैं कि बड़ी मम्मा मेरी अच्छी सी दोस्त हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं है। मैंने आपको कहा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है, ना लेडीज में ना जेंट्स में। हाँ, मेरे हस्बैंड जो है उनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है, उसके अलावा मैं इतनी किसी से सोशल नहीं होती। अब तो मजीद ही मैं अपने एक हॉल में बंद हो गई हूँ। मुझे तन्हाई अच्छी लगती है, तन्हा रहना अच्छा लगता है। अच्छा, ट्विटी पाई कह रही है काफी टाइम बाद आपको देखा, आपकी सौतन कहाँ होती है, अब लगता है इकट्ठे नहीं रहते हो क्यों। मैं लाइव का उन्वान रख दूं ऊपर, कैप्शन दे दूं, मेरी सौतन। आज तो सारा मेरी सौतन को सब याद कर रहे हैं। क्या ख्याल है, कैमरा पकड़ के चली जाऊं, जाके सुलह कर लूं आपके सामने लाइव में, क्या ख्याल है। वोट करें, देखती हूं कितने वोट आते हैं इस हक में कि मैं अभी लाइव में जाके सुलह करूं, कितने वोट आते हैं इस हक में कि मैं सुलह ना करूं। लिखें, उसके बाद मैं आज तो कर गुजरूंगी जो आप कहेंगे। अच्छा जी, सलीम नियाजी कह रहे हैं बिजनेस दसा, बिजनेस मेरा है सलीम नियाजी, नूर ऑर्गेनिक दे नाल विच फिलहाल मैं हेयर ऑयल शुरू किते, वाह लंबे वड्डे सोने काले और वगैरह वगैरह, जितनी भी क्वालिटीज एक वाले दे विच होनियन वो सारी इंशाल्लाह ऑयल दे थ्रू मिल सन, जड़ा भी ऑयल को लैसी। अब उर्दू में बता दो, मैंने फिलहाल नूर ऑर्गेनिक का एक बिजनेस शुरू, एक ब्रांड शुरू किया, स्मॉल बिजनेस कह सकते हैं आप उसे। उसमें फिलहाल मैंने हेयर ऑयल लॉन्च किया है, करने लगी हूँ कुछ दिन, हाँ तकरीबन कर लिया है। और वो हेयर ऑयल ऐसा है कि वो उसमें अगर मार्केट में जितने भी हेयर ऑयल मिलते हैं उनमें 100 क्वालिटीज होती है ना, तो इंशाल्लाह उस हेयर ऑयल में 1000 क्वालिटीज होंगी। मैं उसकी क्वालिटी पर, फार्मूले पर कोई समझौता नहीं कर रही। तो सलीम नियाजी, अगर आपकी भी ट्रेंड निकल आई है वक्त से पहले, आपके बाल सफेद हो गए हैं या आपकी बेगम के बाल छोटे हैं, वो लंबे करना चाहती हैं, अच्छे करना चाहती है, तो मेरा हेयर ऑयल इस्तेमाल करें, जो कि अभी मैंने लॉन्च करना है कुछ दिनों में। आप प्री ऑर्डर, प्री बुकिंग करा सकते हैं, प्री ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा, सलीम नियाजी कह रहे हैं मेरी एक वीडियोस बनाई थी, जी मैंने बनाई थी सलीम नियाजी। अच्छा, फातिमा हुसैन कह रही मानूर आप प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज का रिप्लाई करना। जी फातिमा हुसैन, मैं जरूर कर दूंगी। जरा चेहरे पर हाथ ना फेर क्यों, आज मैं बड़ी मम्मा क्या कर रही है, कुछ कर रही है क्या, कुछ कर रही है, सो रही है, हैं। बड़ी मम्मा से बोलो वेकअप वेकअप, गेटअप जाओ। फातिमा हुसैन कह रही है मैंने आपको इनबॉक्स में मैसेज किया है, ठीक है मैं फातिमा हुसैन लाइव के बाद देख लूंगी। और असद चांद कह रहे हैं आमिर भाई को मेरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आमिर उधर सहन में है या फिर बड़ी बेगम के पास है। फातिमा बाबा कहाँ हैं, उस रूम में है, क्या कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। अच्छा, सलीम नियाजी कह रहे हैं दूसरी फूफो किधर है, आज सामने नहीं आ रही। फिर बड़ी बेगम टिश्यू आप एक ले लें। अच्छा, मारद गफार कह रहे हैं शॉवर करके फिर पंखा चलाओ, गीले कपड़े पहनो, जब आपको सर्दी लगे तब हलवा भेजना, ठीक है जी। असद चांद कह रहे हैं आप जल्दी सुलह करें, चले एक एक वोट आ गया सुलह के हक में। सलीम नियाजी कह रहे हैं सलीम हसनैन दोस्त किधर है, सलीम हसनैन दोस्त किधर है, वो कौन है। अच्छा, सलीम नियाजी कह रहे हैं मैं तो गंजा हो ना पिया हां, कोई भेज ऑयल, भतीजा वहां पैसे दे तो मर वन्या,
मतलब आप कह रहे हैं मैं आपको फ्री ऑयल भेजूं, आप मेरे भतीजे हो, अगर आप पैसे दोगे तो आप मर जाओगे। हाय अल्लाह, एक ऑयल की बोतल के आपके पास पैसे भेजने के लिए आप मरने को तरजीह दे रहे हैं। तो फिर आपकी ट्रेंट बहुत अच्छी है, खूबसूरत लगती होगी आप पे। ट्विटी पाई कह रही है आप रेंट पे रहती हैं। नहीं जी, ट्विटी पाई वही घर है, ये है जी मेरे सुसर का घर। अल्लाह ताला उनको जन्नत में करवट, अल्लाह ताला हर लम्हा उनके जन्नत में दर्जात बुलंद करे, ये उनका घर है। तो रेंट पे नहीं रहती, शुरू से यहीं रहती हूँ। शुरू से तो नहीं, खैर कितने 9 साल हो गए इधर रहती हूँ मैं। अब ये नहीं पता कितने दिन या कितने महीने और इधर हूं मैं। सलीम नियाजी कह रहे हैं हा 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 हा, रो रहे हैं आप। सलीम नियाजी आपका रोना बनता है। सलीम नियाजी कोई नहीं, आप रोए नहीं, मैं आपको ना छोटी एक टेस्टर बोतल जो है ना वो भेज दूंगी। अल्लाह हुण दसा मैं, मेरे कोल भी पैसे घिनस है जी। तू मेरे मामे का पोतर लगता सलीम नियाजी। चाहे मेरे मामे का पोतर भी लगता होता मैं वाले भी पैसे गिना, क्योंकि बड़ा महंगा ऑयल है, बड़ी चीजा बेच जेड़ा मैं बेच पावने नूं गिन के रख ली। तेन बड़ा खर्चा थी गया मेरा, 5-5 हजार के नोट गए ना हर जगह दे उत्ते। सलीम यारी कोई नहीं, रो ना, मैं टेस्ट छोटे टेस्टर भेज देता हूँ। अच्छा, मार अब्दुल गफार कह रहे हैं जी हेयर तो बांग्लादेशी लड़कियों के 5 से 6 फुट वो क्या यूज करती हैं। एक लड़की रिम जिम लाइव आती है, उनके बाल देखा करो जी। मैं बता रही हूँ जो मैं ऑयल बना रही हूँ ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये यूं समझ लें कि मार्केट में अभी तक ये नुस्खा नहीं है। अगर कोई कहेगा तो मैं इस पर हलफ देने को भी तैयार हो जाऊंगी कि ये नुस्खा अभी तक मार्केट में किसी के पास है ही नहीं। ये नुस्खा बहुत 1000 साल पुराना नुस्खा है। मैंने अपनी बोतल पर लिखवाया कि 100 साल पुराना है, लेकिन ओरिजिनली ये 1000 साल पुराना नुस्खा है। और जो चीजें मैं लेने गई हूं जब पंसारी के पास, वो हैरान हो गया, कहता ये चीजें इतनी पुरानी और इतनी अजीब है कि ये कभी हमसे किसी ने तलब की ही नहीं। इवन लोगों को इनके नाम तक नहीं पता जो आप ले रही हो। मैं अगर अभी आपको वो चीजें दिखा दूं ना, आप में से कोई भी उनके नाम नहीं जानता होगा। आप भले उन चीजों का स्क्रीनशॉट लेके किसी हकीम के पास चले जाओ, उनको जाके दिखाएंगे ये क्या, वो हकीम भी नहीं पहचान सकेंगे ये क्या चीजें। ऐसी चीजें मैं उसमें डाल रही हूं, दिखाऊं एक दो चीजें दिखा दूं उनमें से, अभी दिखाती हूं। अच्छा, असद चांद कह रहे हैं आप दोनों आती इकट्ठे लाइव आया करें जी। असद चांद आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा जी, सलीम नियाजी कह रहे हैं भाई दाता हाँ भतीजा हाँ। सलीम नियाजी मेरा कोई भिरा ही कहने वाले, तू किलो भतीजा बढ़ गया। नहीं नहीं, मेरे त्रै भिरा हैं, अल्लाह सलामती देवे मेरे भिरा मेरे को, त्रै भिरा हैं। अल्लाह देसी वैसे मजाक कीता है, मैं ही मजाक करनी बढ़िया सलीम नियाजी, मैं कड़ी सीरियस हाँ। अच्छा, सलीम नियाजी कह रहे हैं रात लाइव को, रात में लाइव किस टाइम आएंगी, मैं ड्यूटी पर हूं अभी। मैं रात को नहीं आऊंगी सलीम नियाजी, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था तो मैं आ गई थी लाइव। अवे साहब आ जाए जरा थोड़ी देर के लिए, ज्वाइन कर ले मुझे। अच्छा हाँ जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्यों जल्दी में, मैंने जरा जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक है? बहुत ज्यादा ही वाइट होंगे। अच्छा जी, असद चांद कह रहे हैं फातिमा जहरा को सामने करें, देखूं वो दूसरे रूम में चली गई, अभी मैं बुलाती हूँ। अभी ये फातिमा जहरा के बाबा जान आ गए, ये देखें ये फातिमा जहरा। फातिमा जहरा बिल्कुल साशे पैक है आमिर का। सब लोग कहते हैं मेरे जैसी नहीं है, ऐसी है। महर अब्दुल गफार कह रहे हैं ऐसा ना हो आपके ऑयल लगाने के बाद लड़कियों के सर फुटबॉल जैसे ना बन जाए। नहीं जी महर अब्दुल गफार, ऐसी बात भी नहीं है। सलीम नियाजी कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, आपने सलाम किया, वालेकुम सलाम कह रहे हैं। असद चांद ने कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। सलीम नियाजी कह रहे हैं क्या हाल है मेरी जान दे टोटे चाचा। ओए तू मेरे को फूफा बनाया है चाचा। जवाब दे भाई। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। ये सलीम नियाजी है मियाँ वाली से। अच्छा अच्छा, हाँ बड़े 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 फनी से हैं, बड़े जॉली तबीयत के हैं। असद चांद कह रहे हैं आमिर भाई, ये वो है ताउल्ला ऐसा खेल जी के रिश्तेदार तो नहीं? बस लगता है उनके रिश्तेदार हैं। असद चांद मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। देखे जी आप, वो कैसे फटाफट आपके लिए कमेंट आ रहे हैं। फिजा हुसैन कह रही है आमिर भाई को सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
क्यों मुझे नहीं फिजा हुसैन? फिजा हुसैन कह रही फातिमा जहरा को प्यार। और सलीम नियाज़ी कह रही जी जी मैं भी ठीक हूँ, आपको कह रही ठीक है, आप लोग बैठे हैं गपशप लगाएं। मैं बंदा बहुत अच्छा हूँ चाचा। सलीम नियाज़ी अताउल्ला बंदा अच्छा नहीं है, वो कह रहे हैं सलीम नियाज़ी कह रहा है मैं इमरान खान के शहर से हूँ। अच्छा अच्छा, अताउल्ला भी तो वहीं से ही है। नहीं अताउल्ला मियां, अताउल्ला मियां वाली कहना। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वो जरा काम जाना। अच्छा फातिमा की तरफ भेजते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सबका बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। आमिर मुझे ये यहाँ से एक दो चीजें उठा के दे दी शॉप पर। आमिर इंग्रेडिएंट का शॉपर यहाँ रख दे। अस्सलाम वालेकुम। इंग्रेडिएंट का शॉपर यहाँ रख दे। उसकी कॉल भी आ गई, बारिश को भी छोड़ना। किसकी? वो नहीं इंटरेस्टिंग। अच्छा अच्छा, आज को कैसे ही चला जाए, आप चले जाए। दूर है क्या चीज? अच्छा फातिमा यहाँ में मुझे शॉपर उठा कर देते जाए। फिजा हुसैन कह रही है आमिर भाई को से, अच्छा आपके लिए वहां मेरे भी कॉल आ गई, मुझे कहते चुप कर, आप यहाँ से चले जाए, मैं भी चुप करूँ। मैं आपको इंग्रेडिएंट आप गिनते जाए कितने हैं, अभी और भी आने हैं। आपके लिए बहुत सारी दुआएं फिजा हुसैन, थैंक यू। सेम टू यू, अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुशियां दे, सबको खुशियां दे। ऐसा चांद कह रहे हैं आपकी बेटी माशाल्लाह आमिर भाई, आपकी बेटी माशाल्लाह आमिर भाई बहुत प्यारी है। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा ये देखें आप इंग्रेडिएंट गिनते जाएं, बल्कि मैं शॉपर सामने रख के बैठूंगी तो आपको पता चलेगा ना वाकई इतने सारे हैं। हाँ सलीम नियाज़ी कह रहे जी जी वहीं से हूँ मैं भी, वो भी वहीं से। अच्छा अताउल्लाह भी मियाँ वाली से, ठीक है। मारदल गफार कह रहे हैं आपके मियाँ रेडियो का प्रोड्यूसर लगता है, वॉइस बहुत अच्छी है। बस देखे मुझे भी वॉइस ही पसंद आई थी आमिर की, मैंने फिर शादी कर ली, मैंने कहा वॉइस सारी जिंदगी सुनने को सुनती रहूंगी। इंग्रेडिएंट गिनते जाए, आपके सामने शॉपर रखा हुआ, ये देखे 1 2 3 4 5। कोई इसको भूज के दिखा दे उसे 1000 रुपए इनाम दूंगी कि ये क्या चीज है, ये 1000 साल पुरानी चीज है, कोई इसे भूज के दिखा दे 1000 रुपए दूंगी। कितने हो गए? 3 5 पांचवा इंग्रेडिएंट, 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका भी कोई नाम भूज के दिखा दे उसको 1000 रुपया मिलेगा। ये 13वां इंग्रेडिएंट, 14 15 16 17 18। ये 18 ये इंग्रेडिएंट है, 7 से 8 किस्म के इसमें ऑयल डलेंगे। चलना मेरे साथ, मम्मी के पास बैठना है, मम्मी के पास बैठ जाओ आप। अच्छा इनके बाद में सेट करूंगी, अपने सेट करने बैठ गई। इसका जो नाम बताएगा उसको 1000 रुपया इनाम मिलेगा। खुद हकीम पर पंसारी परेशान हो गया था जब मैंने उसे कहा मुझे इसका नाम बता कर, मैंने कहा मुझे ये चाहिए, कहते हैं आपको कैसे पता? मैं कहा देख ले, मेरी नानी अम्मा ख्वाब में आई थी मुझे जन्नत से, ये नुस्खा देकर गई। फिजा हुसैन कह रही अल्लाह आपके हर काम में बहुत बरकत। आमीन, थैंक यू फिजा हुसैन, थैंक यू, आमीन सुमा आमीन। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की दुआएं हैं और मेरी भी दुआएं हैं आप तमाम लोगों के लिए जो मुझे दुआएं देते हैं। सलीम नियाज़ी कह रहे पुप्पो खुश रहे, मैं चलता हूँ ड्यूटी है, टाइम गुजर रहा है। सलीम नियाज़ी आप पुलिस में है ना, पंजाब पुलिस में होते हैं आप, जाए जाए ड्यूटी करें। सलीम नियाज़ी कह रहे वो फटकड़ी नहीं, सलीम नियाज़ी साहब ये फटकड़ी नहीं है, ये फटकड़ी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी फटकड़ी नहीं है। फटकड़ी ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की होती है, ये व्हाइट नहीं है, ये येलोइश, और ये ऐसे है जैसे मुल्तानी मिट्टी नहीं होती, ये उस तरह के कलर में है, लेकिन ये मुल्तानी मिट्टी भी नहीं है, ये बहुत भारी है। आपको ये छोटा सा टुकड़ा ना कम से कम भी इस टाइम तकरीबन मैं आपको बता रही हूँ
आधा पाव का होगा ये, इतना सा टुकड़ा, ये हैवी है वजनी, जैसे एल्यूमिनियम हैवी होता है ना, एल्यूमिनियम तो हैवी नहीं होता, क्या हैवी होता है, एक धात है मुझे उसका नाम इस टाइम निकल गया जहन से, वो बड़ी हैवी होती है, इतनी सी भी होना तो बहुत हैवी होती है, ये भी उसी तरह का बहुत हैवी है, ये फटकड़ी बिल्कुल भी नहीं, फटकड़ी कहां से डलती है ऑयल में। अच्छा जी, महाराजुल फार कह रहे हैं अल्लाह खैर करे उन लड़कियों के जो हकीम महानूर का ऑयल यूज करेगी, बस देखिएगा ऐसा रिजल्ट आएगा ना कि वो फिर मेरी पक्की पक्की वो हो जाएंगी, कस्टमर बन जाएंगी। सलीम नियाजी कह रहे हैं सऊदी गया हूं मैं, कोई काम नहीं किया, मेरा अल्लाह का शुक्र है, एक महीने बाद आऊंगा। अच्छा, आपने यहाँ पर जॉब छोड़ दी, आप तो कौन सी सेंट्रल जेल थी मियां वाली की, कौन सी अडियाला पता नहीं कौन सी, उसके बाहर हुआ करते थे, आपकी ड्यूटी थी वहां पर, आपने छोड़ दी, हाँ आपने बताया था आप सऊदी चले गए। चले जी, सब अपना ढेर तरह ख्याल रखिएगा, अभी मिलेंगे इंशाल्लाह फिर, क्योंकि मैंने आमिर के साथ थोड़ा बाहर जाना है ऑयल के सिलसिले में, कुछ काम अभी रहते हैं, कोई प्रिंटिंग में गलती आ गई थी और बड़े रोले हैं, छोटा सा काम शुरू कर रही हूँ और इतने दिनों से मैं भाग दौड़ कर रही हूँ जी। इसलिए मियादी जॉब करते हैं आप, ठीक है, ठीक है जी। सब अपना ढेर तरह ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला तमाम लोगों को खुश रखे, तो मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा और सपोर्ट करें आप, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा शख्स, ऐसी बंदी है जिसको मेरे हेयर ऑयल की जरूरत है, उसको हेयर्स से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, तो उसे जरूर मेरा पेज रिकमेंड करें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मेरा लॉन्च हो जाएगा, तकरीबन तैयारी मुकम्मल होगी, बस लेबल की प्रिंटिंग थोड़ी सी गलती आ गई थी तो वही ठीक हो रही है, वो भी इंशाल्लाह एक से दो दिन में ठीक हो जाएगी, तो इंशाल्लाह 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 फिर मैं लॉन्च कर दूंगी। चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।